हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शर्मा एंड टुडे वेलकम टू माय चैनल उडरावत। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि Redmi Go जो कि लाइक ये फ़ोन है 4,500 रुपए का मेरे पास, जो कि एंड्रॉयड गो के फ़ोन है, इसमें आप इन सब ऐप्स का लाइक हॉटस्टार, एयरटी वाला, जी 5, यूट्यूब, जियो टी वी, जियो सिनेमा, वूट, इन सब स्ट्रीमिंग ऐप्स को अच्छे से चला पाएंगे कि नहीं। मैं एक एक ऐप आपको चला के दिखाऊंगा। अगर आपने इसकी गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो मैंने इसकी गिव अवे चली हुई अनबॉक्सिंग की थी मैंने, यहाँ पे आई कार्ड में आप क्लिक करके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे कि स्ट्रीमिंग ऐप्स कैसे चलते हैं इस Redmi Go फोन पे। तो सर 1 GB रैम है, 8 GB स्टोरेज है, तो आप ज़्यादा तो कुछ डाल नहीं सकते, गेम्स वगैरह स्ट्रीमिंग ही कर सकते हैं इस पर कुल मिला के। तो आप देख, सबसे पहले बात करेंगे हम YouTube की। दोस्तों तो जो YouTube है उसमें जो YouTube Go का ऐप का मिलता है, जो YouTube Go का जो ऐप है वो मेरे को इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि दोस्तों आप उसमें लाइक क्वालिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा सेट करने का, आप लाइक अपनी क्वालिटी सेट नहीं कर सकते हैं किसी भी वीडियो की। तो मैंने इसमें प्ले स्टोर में जाके देखा कि YouTube का ऐप मिलता है कि नहीं। दोस्तों मेरे को YouTube का ऐप प्ले स्टोर में नहीं मिला, जैसे कि मैं आपको एक बार सर्च करके दिखा देता हूँ, जैसे कि जस्ट अ सेकंड दोस्तों, YouTube, जैसे मैं YouTube सर्च कर रहा हूँ तो इसमें YouTube का ऐप आ ही नहीं रहा है, सिर्फ YouTube Go का ही ऐप आ रहा है। तो दोस्तों ये एक डाउनसाइड है, बट मैंने YouTube का APK डाउनलोड किया नॉर्मल, मैं आपको लिंक दे दूंगा कहाँ से डाउनलोड किया। तो उसके बाद इंस्टॉल करते हैं तो YouTube चल रहा है और दोस्तों प्रॉपर चल रहा है। मैं एक्साइटेड था कि नहीं चलेगा या चलेगा, मतलब लाइक कंफ्यूज था, बट हाँ इसमें प्रॉपरली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, जैसे कि हम आपको अपनी वीडियो चला के दिखाते हैं कोई भी। और खुशी की बात यह है कि इसमें आप क्वालिटी भी सेट कर सकते हैं। तो आपको जैसे इसी फ़ोन की अनबॉक्सिंग दिखा देते हैं दोस्तों, जस्ट अ सेकंड दोस्तों, जैसे मैं Redmi Go वाली वीडियो चलाऊंगा दोस्तों, तो फुल 720p में चल सकती है और बाकायदा आप क्वालिटी भी सेट कर सकते हैं। मैं ज़रा आवाज़ कम कर देता हूँ दोस्तों ताकि एड वैड का कोई सीन ना आए। हाँ तो दोस्तों जैसे कि देखिए मैं क्वालिटी इसमें सेट करूँगा, क्वालिटी 720p बाकायदा दिखा रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप 720p क्वालिटी में भी फ़ोन में मतलब वीडियो चला सकते हैं और लाइक इट विल बी नॉर्मल, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। अब मेन बात तो YouTube की है, कुल मिला के सब लोग YouTube ही चलाते हैं, लेकिन हमारे पास और भी ऐप्स हैं दोस्तों, हम और सारे ऐप्स चला के दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं Z5 की। तो Z5 बहुत ही एक अच्छा ऐप है, 1080p में आपको चलाने का मौका देता है आपको, बड़ी TVs में, मोबाइल्स में, सब चीज़ में। लेकिन हमें 720p की स्क्रीन है तो 720p में अलग से मौका देता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। एक बार चला के देखते हैं इसे कि सिम्बा मूवी है, इसको हम चला के देखते हैं और प्ले करते हैं। मैं वॉल्यूम कम कर दूंगा ताकि मेरे को कोई कॉपीराइट का इशू ना हो। तो एक बार इसको आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ये दोस्तों ये 1080 में चल रहा है, वैसे फ़ोन की स्क्रीन ही 720 है तो 720 में ही चल रहा है, बट यहाँ पर 1080 का ऑप्शन, 720 का ऑप्शन सारे आ रहे हैं, बट ये 1080 का देख लीजिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन 720 तो 720 ही चलेगा। बट वो ये है कि बैंडविड्थ बचानी है तो आप इसे 720 कर सकते हैं, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। क्वालिटी एकदम चकाचक है, मैं कहूँगा कि हाँ मतलब Z5 वगैरह के लिए ले रहे हैं आप Z5 YouTube तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। इसको रैम से हटा देते हैं हम, दूसरा स्टार्ट करते हैं हॉटस्टार। दोस्तों आजकल IPL का सीज़न है तो IPL के मैचेस देखने के लिए या फिर हॉटस्टार पे एवेंजर्स वगैरह मूवी हैं, आइए एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, आज ही आइए वो सब देखने के लिए, क्या ये बेटर फ़ोन है? तो दोस्तों हाँ, इसमें आप हॉटस्टार बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बिना लैग के, बिना किसी प्रॉब्लम के देख सकते हैं। इसमें सेटिंग्स का क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन भी आता है, आप इसमें हाई सेट कर लीजिए और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चकाचक आपका चलेगा। देखिए दोस्तों देख रहे हैं 720p का आराम से क्वालिटी चल रही है और कोई दिक्कत नहीं आ रही, आप इसमें मैच देख सकते हैं, लाइव मैच का आनंद उठा सकते हैं दोस्तों। तो इसको भी रैम से हटा देते हैं दोस्तों और नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं अपना प्राइम वीडियो। तो सर प्राइम वीडियो में यहाँ पे दिक्कत है कि आपका 480p से ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें एनुअल जिम तो हो नहीं सकती, 4,500 रुपये का फ़ोन है दोस्तों तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट हाँ आप 400cp में भी अगर कुछ चला रहे हैं तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, क्योंकि प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स आपको 720 1080 चलाने के लिए बड़े बड़े फ़ोनों में नहीं चलता, पोको फ़ोन में अब तक नहीं चलता, उन्होंने अब डाला एल1 चिप का सपोर्ट। बट हाँ अगर आप 400cp में भी चला रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर शेल्डन का एपिसोड नंबर 17 चलाया है और 480p में ज़बरदस्त लग रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि लाइक बेस्ट हम बेस्ट लग रहा है, लेकिन हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप देख सकते हैं, आपकी आंखों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपकी आंखें ख़राब नहीं होने वाली हैं। तो सर नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने सोनी लिप की। तो सोनी लिप पर अगर आपको कपिल शर्मा देखना है या फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना है या फिर सब TV सोनी TV या फिर WWE देखना है तो ये बहुत ही अच्छा चल रहा है, सोनी लिप की कोई दिक्कत नहीं रही। ऐप ओपनिंग में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि स्नैपड्रैगन 425 पर काम कर रहा है, बट अगर आप और कुछ भी मतलब इसमें अंदर जाके चलाते हैं तो इतना कोई स्लो नहीं है, एक नॉर्मल फ़ोन की तरह ही चल रहा है। क्वालिटी भी एकदम इसमें लाइक 720p की मिल जा रही है इधर भी दोस्तों। तो मैं ये कहूँगा कि हाँ आप मतलब डिसअपॉइंट नहीं होने वाले, जैसे कि मैं तारक मेहता का कल का एपिसोड चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एकदम मस्त चकाचक चल रहा है।
कुल मिला के अगर आप इसे स्ट्रीमिंग के लिए ले रहे हैं तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होने वाली है। बाकी और भी ऐप्स हैं, अगर आप चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं। जी सिनेमा भी एकदम अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एचडी में आप चला सकते हैं, अपना लॉगिन करके सिम से चला सकते हैं। लाइव टीवी देखनी है तो दोस्तों आप इसमें जियो टीवी का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको अपनी सिम डाल के। मेरा वाईफाई पे है इसलिए चलेगा नहीं अभी जियो टीवी, लेकिन नॉर्मली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है दोस्तों। और बाकी ऐप्स में अलग जियो टीवी, वूट, एरोस नाउ, सब एकदम चकाचक चल रहे हैं दोस्तों। मैं ये कहूँगा अगर आप सिर्फ इसे गेम्स वगैरह के लिए खरीद रहे हैं तो गेम्स वगैरह के लिए नहीं खरीदे, क्योंकि ये गेम्स वगैरह नहीं चलाने वाला है, क्योंकि मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई गेम्स की, आप उसे जाके देख सकते हैं। फ़ोन एकदम शानदार है, लाजवाब है, 4,500 रुपये में आपको इससे अच्छा फ़ोन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। बट हाँ, अगर आप लाइक प्रॉपर वैल्यू पर जाएंगे तो ढूंढेंगे तो लाइक टक्कर के तो मिल जाएंगे, बट एकदम हराने वाला फ़ोन मुश्किल मिलेगा। अगर आप इन ऐप्स के लिए इस फ़ोन को खरीदने वाले हैं, सिर्फ यही ऐप्स चलाने हैं आपको, ज़्यादा कुछ खास नहीं चलाना है, व्हाट्सएप वगैरह चलाना है, तो ये बहुत ही शानदार फोन है, आप इसे ले सकते हैं। लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में नीचे। बैक टू द कैमरा नाउ। तो जैसे कि आपने देखा है इसमें सारे ऐप्स इजीली चल जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मेरे को एक भी ऐप में ऐसा नहीं लगा कि जो लैग मार रहा हो, और यूट्यूब का जो ऑफिशियल है उसका एपीके डाउनलोड करके ऑप्शन होना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। मैं यूडी न्यूज़ बनाता हूँ, अगर आपने यूडी न्यूज़ देखनी है आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब हियर, हिट लाइक, थैंक यू।